नागौद जिला सतना मध्य प्रदेश से श्री इस कुमार स्पर्श जैन कह रहे हैं गुरुदेव। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि आप मुनि मोक्ष पाने के लिए बनते हैं, मतलब कि स्वतंत्रता आज़ादी पाने के लिए बनते हैं। महाराज जी फिर आप हम लोगों को पूजा पाठ के बंधनों से क्यों जोड़ देते हैं? कृपया मन में उठी हुई शंका का समाधान करें। मोक्ष पाने के लिए मुनि बने हैं, पूजा पाठ के बंधनों से क्यों जोड़ देते हैं? देखो, किसी नदी को पार करना हो, नौका ना हो तो कैसे पार करते हैं? तैर कर पार करना होता। जो तैराक होते हैं वे अपने बाहुओं के बल पर तैर करके बड़े बड़े नदी नालों को पार कर लेते हैं, लेकिन जिनको तैरना नहीं आए उनको क्या करना पड़ता है? जिनको तैरना ना आए उनको क्या करना पड़ता है? उनको किसी ट्यूब का सहारा लेना पड़ता है, देखा है ना, ट्यूब का सहारा लेना पड़ता है, और ट्यूब को अपने साथ जोड़े रहता है, लगभग बांध रखता है, उसके सहारे वो हाथ पांव चलाते चलाते धीरे धीरे तैरना सीख जाता है। जब पूर्ण तैराक हो जाता है तो फिर उसे टायर की जरूरत, ट्यूब की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब तक अभी तैराकी का ज्ञान नहीं है उसको ट्यूब का बंधन तो स्वीकारना ही पड़ता है। तो ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग बाहुओं के बल पर तैरने का नाम है, लेकिन यदि उसमें समर्थ न हो तो पूजा पाठ भक्ति दान धर्म की शुभ क्रियाओं के ट्यूब का सहारा लो, अन्यथा डूब जाओगे। ये ट्यूब तुम्हें तैरने का पूर्ण आनंद तो नहीं देगा, लेकिन डूबने से बचा लेगा, समझ गए? तो भूमिका अनुरूप उपदेश होता है, इसे बंधनकारी मत मानो, इसे अपने जीवन के लिए एक बड़ा आधार और आलंबन मानकर स्वीकार करो।